आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारे रिजू भाई के ऊपर है। भाई बोलने का उन्हें मन तो नहीं करता, इज सो चार्मिंग। तो बहुत क्यूट है वो, बहुत चार्मिंग है। और एक इंटरव्यू उनका अभी मैच के बाद में हुआ था, तो इस वीडियो को देखते हैं और देखते हैं हमारे वो क्यूट से रिजू भाई का वो प्यारा सा इंटरव्यू। सेल्फी या पिक्चर नहीं बोलेंगे, काफी दूर थे वो, उधर थे और मैं इधर थी। उन्होंने कहा मैं अकेले नहीं लेता हूँ। मैंने बनानी नहीं है क्योंकि वो जरा लड़कियों से यूं करते हैं। यांगे क्यों खराब कर रहे हो? एक भारतीय लड़की ने क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान से की। दरअसल हुआ कुछ यूं कि भारतीय लड़की ने मोहम्मद रिजवान से सेल्फी लेने की दरख्वास्त की। रिजवान खड़े तो हुए मगर जरा फासले पर। लड़की ने शिकवा किया कि इतने फासले से सेल्फी नहीं होती, दूरफी होती है। तो हमने कहा कि रिजवान एक पिक्चर अगर मिल सकती है आपके साथ तो। तो पहले तो उन्होंने की थोड़ी देर में बट फिर फोर्स किया कि रिजवान पिक्चर। तो रिजवान आए जरूर लेकिन उसको आप सेल्फी या पिक्चर नहीं बोलेंगे। काफ़ी दूर थे वो, उधर थे और मैं इधर थी। उन्होंने कहा मैं अकेले नहीं लेता हूँ। रिलीजियस बहुत ज़्यादा है रिजवान और इस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं मैं साथ में नहीं ले पाऊँगा। तो रिजवान आप देख रहे हैं, अगर मेरे यहाँ पे फेंस भी है बीच में और रिजवान वहाँ थे और मैं यहाँ। काफ़ी दूर इनफैक्ट वो उनके साथ जो इस टाइम वॉक कर रहे हैं उन्होंने उनको भी बुलाने की कोशिश की और जितने फैंस यहाँ पे खड़े हैं उनको भी चाहा कि आप आ जाइए, कोई साथ में आ जाइए, मैं लड़की के साथ अकेले पिक्चर नहीं लेता, ये कह रहा था रिजवान का। खुद बहुत कॉन्शियस लग रहे थे, इनफैक्ट सेलिब्रिटी हुआ है मुझे कॉन्शियस होना था लेकिन कॉन्शियस थे बहुत। उन्हें बस फटाफट एक पिक्चर ली, उन्हें कहा हो गया अपनी। ये दूरफी है, ये सेल्फी नहीं है, दूरफी है। दूरफी है। उसके बाद हमने अपने कलीग के लिए भी लिया, उसके लिए उन्होंने कहा आप ले तो रही हैं, लड़का होना चाहिए। ये भी उन्होंने मुझे कहा खासा कि पता नहीं किसके लिए ले लियो, लड़का है या लड़की है। भारतीय लड़की की बात पर रिजवान शर्माए और कोई बात नहीं की। एक दफा पाक टीवी को ही इंटरव्यू देते हुए मोहम्मद रिजवान ने कहा था कि वो खवातीन को बहुत इज्जतदार समझते हैं, खुद को इतना काबिल नहीं समझते कि लड़कियां इनसे तस्वीर बनवाएं। देखिए जी, शर्माने की बात तो नहीं है, बस सिर्फ कुछ चीज़ें पर्सनल होती है, हर एक प्लेयर की हर एक चीज़ होती है पर्सनल। खवातीनों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि हमारी बहनें या हमारी माएँ जब आती है साथ तो मैं उसके साथ पिक्चर खिंचवाऊँ, क्योंकि उसका उनका स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है मेरे से। तो इसलिए मैं इस चीज़ को कभी ये हमारी बहनें या हमारी जितनी माएँ ये ना सोचे कि मैं पिक्चर नहीं खिंचवाता तो वो मुझसे खफा ना हो जाए। मगर इस चीज़ की मैं करता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मेरी औकात इतनी नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है कि उनसे मैं अपने आप को दूर से कर सकूँ। मगर कुछ चीज़ें पर्सनल ऐसी होती है कि इस पर दूर रखा जा सकता है, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा एक स्टेप है जो थोड़ा सा अपने आप को सेव कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत कम लोग जानते हैं कि मोहम्मद रिजवान ने करोड़ों के इश्तहारात छोड़ दिए मगर लड़की के साथ काम नहीं किया। दुनिया का मकसद तो ये नहीं है कि हम यहाँ पैसे कमाएं या बहुत सारी चीज़ें करें। दुनिया का मकसद में यही है कि अल्लाह के अहकाम को पूरा करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदा करें। ये दीन का, ये तो हमारी दुनिया का मकसद ही है। इसलिए दीन को हमेशा मैंने प्रायोरिटी पर कोशिश की है कि प्रायोरिटी पर रखूँ, दुनिया को बाद में। अगर मेरी दीन की वजह से मतलब दीन को नुकसान होता है दुनिया की वजह से तो मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता दुनिया पे। कोशिश करता हूँ, मैं कमज़ोर हूँ इंसान हूँ मगर मैं कोशिश करता हूँ कि दीन पहले और दुनिया बाद में। दुबई क्रिकेट एकेडमी में लड़की ने रिजवान से अपनी एक दोस्त के लिए ऑटोग्राफ का कहा तो बहुत मज़े का सीन हुआ। फिर एक सहाफी ने सेल्फी ली तो रिजवान ने जोरदार जुगत लगा दी। यांगे क्यों खराब कर रहे हो? थैंक यू। एक भारतीय सहाफी ने कॉपी पर साइन करने को कहा तो मोहम्मद रिजवान की बात से कह कहे उठे। भैया कॉपी दे, मैं वहां तक करते जाऊंगा, जाओ बस एक लाइन में सारा कर दूं। हाय दिव्यांशु, लिख देना सर। रिजवान की यही सादगी बड़ी वजह है कि पाकिस्तान टीम का कैंप हो तो फैंस की नजरें रिजवान को तलाश करती हैं। माशाल्लाह, इसे कहते हैं ईमान वाला शख्स। जो इंसान अपने ईमान का पक्का होता है ना, उसके सामने चाहे कोई भी हूर की परी आ जाए, वो मतलब अपना अगर उन्होंने ईमान पे चलना है, अपने कल्चर को प्रॉपरली फॉलो करना है, वो डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। अदरवाइज क्या होता है, सबको जो सेलिब्रिटीज होते हैं उन्हें पता होता है कि लोग उनके पीछे पागल हैं, मतलब क्रेजी हैं कि एक फ़ोटो हमें इनके साथ में क्लिक करने को मिल जाए या हम लोगों को इनके ऑटोग्राफ मिल जाए। लेकिन जो रिजू भाई है ना, वो तो मतलब इतना डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे थे कि मतलब ठीक है, बीच में वहाँ पे फेंसिंग भी थी बट फिर भी उन्होंने उस लड़की से इतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ था कि मतलब
परे रहो मुझसे, मेरी ज्यादा पास मत आओ। ही इज वन ऑफ द हैंडसम क्रिकेटर्स यार, हर इंसान हर लड़की चाहती है कि मतलब इतने हैंडसम शख्स के साथ में एक फोटो एक सेल्फी तो मिल जाए, बहुत अच्छा होगा। लेकिन उन्हें भी पता है कि उनका क्या दायरा है, उन्हें कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है, उनका क्या बॉडी जेस्चर होना चाहिए। जैसे कि वीडियो में आगे उन्होंने मेंशन भी किया है कि वो हमेशा उस खुदा से डर के रहते हैं। एक वीडियो में हमने पहले भी रिएक्शन किया था जिसमें हमने देखा था कि जो जिसने अपना ईमान को कायम रखना है, जो अपने कल्चर को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, किसी भी शख्स का किसी दूसरे के ऊपर कंट्रोल नहीं होता कि हम उसको रोक सके। लेकिन हाँ, अपने आप पे हमारा 100% कंट्रोल होता है, अपने मन पे, अपनी फीलिंग्स पे, अपने बॉडी जेस्चर पे। तो हम लोग खुद को तो कंट्रोल कर ही सकते हैं कि अगर दूसरा बंदा कुछ भी कर रहा है, लेकिन हमें अपने ईमान से नहीं हटना, हमें अपने आप को कंट्रोल में रखना है ताकि हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमें अपने उस खुदा के बनाए हुए सही रास्ते पर चलना है। तो यही जो रिजवान है उनकी भी सोच है कि मतलब जब मेरे पैगंबर ने मुझे बोला है कि मतलब आपको अपनी नज़र झुकानी है, आपको खातून की इज्जत करनी है, तो वो करते हैं, वो कुछ ऐसा बेनिफिट उठाने की कोशिश नहीं करते। मतलब इंसान होता है ना कि अगर उसे चांस मिले तो और भी ज़्यादा ज़्यादा चिपक के किसी के साथ खड़े होते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि जब कोई किसी का कोई फ़ैन होता है और वो उसको फ़ोटो क्लिक करने के लिए साथ में बोलते हैं, सेल्फी लेने के लिए बोलते हैं, तो मौसी लोग उनको थोड़ा सा ऐसे शोल्डर पे हाथ रख लेते हैं या हक कर लेते हैं, मतलब नॉर्मली ऐसा होता है कई बार। तो जो अपने ईमान के पक्के हैं वो किसी भी चीज़ की एडवांटेज उठाने की कोशिश नहीं करते, उन्हें पता है कि मेरा दायरा क्या है। तो मतलब दिल से सैल्यूट है रिजू भाई को। मतलब ऐसा करैक्टर होना चाहिए इंसान का कि चाहे आपको कितनी भी कामयाबी क्यों ना मिल जाए, आप जितने मर्जी कामयाब शख्स क्यों ना मिल जाए, आपको अपने उस खुदा को नहीं भूलना। और ये बात मुझे हमेशा से बहुत अच्छी लगती है। मतलब मैं खुद भी मानती हूँ कि इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा जो मतलब ईमान के पक्के होते हैं या बोलो कि अपने उस अल्लाह पे पूरा यकीन रखते हैं और उनकी जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें हैं उनको हमेशा से ये मानते हैं कि नहीं वो बातें बिल्कुल सही हैं और हमें फॉलो करनी है, तो वो सिर्फ इस्लाम में होता है। बाकी रिलीजन में भी बहुत सारी बातें बोली गई हैं, लेकिन 100% हम ये नहीं कह सकते कि सब लोग उन बातों को फॉलो करते हैं। लेकिन इस्लाम में मैंने हमेशा से देखा है कि मतलब लोग बहुत पक्के होते हैं यार अपने ईमान के। मतलब कि हमारे रसूल ने हमें बोला था कि ऐसा करना है वैसा नहीं करना, तो बस करना है। बाकी एक दो लोग अगर कभी कुछ है, बाकी कोई इक्का दुक्का इंसान अगर कभी कोई गलती कर भी देता है, वो तो मतलब हो ही जाता है, कभी ना कभी ऐसा होता ही है। और वो भी मैंने सुना है कि उन लोगों को मुस्लिम्स ना बोलकर कुछ और ही बोला जाता है, मैं भूल गई उन्हें, मुशरिक समथिंग कुछ तो उन्हें बोलते हैं, जो मुस्लिम तो हैं लेकिन प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलते। लेकिन जो सच्चा मुसलमान है, सच्चा अपने ईमान वाला शख्स है, वो रिजवान जैसे होते हैं कि मतलब सारी औरतों की इज्जत करो, सारी जो खातून हैं उनको रिस्पेक्ट दो, प्यार दो दिल से, लेकिन कभी ऐसा किसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करो। बहुत ही अच्छी वीडियो है और आज की इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। बाय।